मैम ये आप डेड बॉडी नहीं है, इसमें क्या मामला है सर? एक थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत माँ अम्बे लॉज पड़ता है। अभी 1 घंटा पहले इसमें सूचना प्राप्त हुई कि कानपुर के नशा मुक्ति केंद्र बर्रा से 3 लोग आए हैं। उन्होंने एक व्यक्ति है विभांशु सिंह, सन ऑफ राम नारायण सिंह, जो आदमपुर हरदोई के रहने वाले हैं। ये 20 तारीख को इस लॉज में आकर रहना शुरू किया। 21 को पहले चले गए, फिर 2 घंटे बाद वापस आ गए और तब से ही रह रहे थे। आज सुबह इनकी तबीयत खराब हो गई। इन्होंने अपने इटावा जाने के काम से यहाँ आना बताया था। जब और पूछताछ की गई तो पता ये चला है कि विभांशु सिंह पेशे से GIC इंटर कॉलेज रूरा कानपुर देहात में टीचर हैं, और अभी एग्जाम्स के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड में इनकी ड्यूटी लगी थी। फ्लाइंग स्क्वाड में ये ना जाकर यहाँ अम्बे लॉज में आकर रहने लगे। यहाँ पे रहकर इनके रूम में कई शराब की बॉटल्स मिली हैं। तो पूछताछ में ये पता चला है आगे कि जो केयर टेकर है उसने सुबह इनकी तबीयत खराब हुई तो इनसे बोला कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं या किसी संबंधी का नंबर दे दीजिए। तो उनके पास एक नंबर मिला जो दूसरे टीचर का था। उन टीचर को केयर टेकर ने कॉल किया। टीचर ने बताया कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, आपसे संपर्क करेंगे। नशा मुक्ति केंद्र बर्रा से केयरटेकर को फोन आया। उन्होंने बताया कि ये विभांशु सिंह पूर्व में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट रहकर इलाजरत रहे हैं और नशे के आदी हैं, और उनके द्वारा 3 लोगों की टीम यहाँ भेजी गई अम्बे लॉज में। लेकिन जब तक टीम आई तब तक इनकी डेथ हो गई थी। टीम ने इनको बताया कि इनकी डेथ हो गई है। मौके पर पुलिस फोर्स पूरी गई, जाकर देखा गया तो इनके बेड पर कुछ पानी और उल्टी टाइप का पड़ा है। उल्टे ऐसे पड़े थे, बॉटल्स वगैरह पड़ी थी। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी। इनके सगे संबंधियों को सूचना दे दी गई है। वो जैसे ही यहाँ आ जाएंगे तब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।